हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज में। तो फ्रेंड, अब मैं अभी पता है अभी तो आज 21 तारीख हो गई, तो जो आपके कोस्ट गार्ड नाविक जी डी उसके फॉर्म भर गए हैं, ठीक है। ये आपके जो फॉर्म फिलअप करना है उसका क्या है, मेन फेस है यहाँ पर। पहले आपको सारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छी तरह पढ़ने, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्ट फॉर्म वहाँ से फिलअप कर सकते हैं। अपन फ़ोन के अंदर किस प्रकार फॉर्म भरेंगे मैं आपको पूरा यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। जो आपको जो भी चीज़ें भरनी हो सब, कैंडिडेट से शुड बी अंडरस्टैंडिंग दे रहे एवरी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड फेल्स। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो क्या कर देंगे, आपकी आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये आप सब चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, नाविक जनरल डीजीडी आई एग्री पे क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको ऐसे क्या है कि दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ओके, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद में आपको मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद में आपको और जो फ्रेंड जो स्टार लगा रखे हैं ये सभी आपको अनिवार्य है भरने। उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है आपकी, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जो आपकी कास्ट है, ठीक है, जर्नल है, SC ST कौन सी है वो। उसके बाद में मैरिड स्टेटस में अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद में जेंडर मेल, फिर इसमें आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है। उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से हैं या नहीं है। उसके बाद में आपको आप कोस्ट गार्ड एम्प्लॉय हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सर्विस टाइप लिखना, आप पर है तो आप डिफेंस रिलेटेड हैं या नहीं है। उसके बाद में इसमें आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, ऐसे यहाँ पर सिटी, मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर आपका जो करंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अगर सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर है, तो सेंटर फ्रेंड अगर आप जब स्टेट भरेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को भरना नहीं है, अगर आप आगे से भरे जाएगा। उसके बाद में अगर आपके पास NCC क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर भर देना, आपको कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास, ए है, बी है या सी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर भरना है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। 10+2 मिनिमम तो है ही है। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन है तो वो भरनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भरनी है। तो यहाँ पर भरना आपको पहले तो यहाँ पर टिक करना है, ठीक है, कौन कौन से अपन भर रहे हैं। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग भरनी है इधर। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर भरने हैं, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी भरनी है, कौन सी आप यहाँ पर टोटल मार्क, ठीक है, कितने का पेपर आया था। उसके बाद में आपको कितने पर नंबर आए, उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथ के नंबर भरने हैं यहाँ पर, और परसेंटेज भरनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फ्रेंड आपको यहाँ पर भरना क्या है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, उसकी साइज जो है वो 10 से 40 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर है उसकी साइज 10 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, ओके। उसके बाद में इसमें आपको कुछ भरना है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो फॉर्म है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको पहले इसमें भरना है, ठीक है, यहाँ पर से कुछ नहीं करना आपको, फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो इवेंट वेरीफाई कोड भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपको दिखाई देंगे, उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है उसको आपको प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिया है आपको कैसे फॉर्म यहाँ पर भरना, ठीक है।
उसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दे देना, ठीक है, कि ये आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखना फ्रेंड, जो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें या तो लेट नाइट, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कोस्ट गार्ड की साइट है दिन में बिल्कुल नहीं चलती है, ठीक है। मोबाइल में क्या जो अपने बड़े बड़े सिस्टम है उसके अंदर नहीं चलती है, ठीक है। तो या तो लेट नाइट या जल्दी उठ कर अपना फॉर्म भरें, क्योंकि दिन में इसकी साइट चलती नहीं है, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, ठीक है। हमने आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी आपके लिए हम कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर रीजनिंग प्लस मैथ की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, तो केयरफुली फॉर्म भरना, एक बात ध्यान रखना, अगर आप मिस्टेक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन में आप वहाँ पर साफ लिखा कर, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत शेयर करते हैं तो आपकी जो कैंडिडेट जी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, धीरे धीरे हर चीज़ सही से आप इसके अंदर फिलअप करना। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।